हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं 23 और 24 तारीख को एग्जाम देने जा रहे सभी पटवार एस्पिरेंट्स को, सभी पटवारी के स्टूडेंट्स को, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपकमिंग और एडवांस में आप लोगों को विशेष देना चाहूंगा। और मैं प्रे करूंगा कि भगवान आपकी मेहनत का आपको फल जरूर दे और जो आपने मेहनत की है उसका आपको 100% मिले। और आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल पटवार स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बार बार डिमांड थी कि सर इंग्लिश में स्पेशली पैसेज जो कि 5 क्वेश्चंस कम से कम कवर करता है वो एक पार्ट हो जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि एग्जाम में अगर पैसेज से मान के चलिए क्वेश्चन आता है तो एक वो एक वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए, उसको छोड़ के आना। तो मैं दोस्तों आपको कोई ट्रिक तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि पैसेज एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा भाग होता है इंग्लिश का जिसकी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहने का मतलब केवल जो शॉर्टकट है वो आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर करता है। देखिए दोस्तों, पैसेज के आने का आपकी एग्जाम है जो चांस है वो 50-50% है। पैसेज 50% है आ भी सकते हैं और पैसेज 50% नहीं भी आ सकते। इसका मतलब 11 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे वो हो सकता है पूरे कंप्लीट आपके नॉन पैसेज से बने और में भी हो सकता है पैसेज से बने, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर पैसेज आता है तो 4 या फिर 5 मैक्सिमम क्वेश्चन कम से देगा, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देगा। तो चलिए आज के पैसेज के इस क्लास को हम रेगुलर करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए कि उस कम टाइम में आप पैसेज को पूरा कर सकते हो। देखो दोस्तों, पैसेज 2 प्रकार के होते हैं जिसको आप सीन और अनसीन के नाम से जानते हैं। आपने जब स्कूलिंग से एकेडमिक लेवल पर जब आपने एग्जाम्स दी थी, स्कूलिंग में आपने 11th दिया, 10th दिया, 9th दिया, 12th दिया, उस समय भी आपने पैसेज फेस किया था। और अब जाकर के चाहे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हो, एसएससी सेक्टर के एग्जाम्स हो, या फिर राजस्थान लेवल के एग्जाम है, पटवार लेवल के एग्जाम है, स्पेशली आपको पैसेज फेस करने को मिल रहा है और आ भी सकता है और आएगा भी। तो इसमें पैसेज के लिए क्या तरीका होना चाहिए वो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवा देता हूं कि पैसेज दिखाई कैसे देते हैं। तो आज का हमारा जो पैसेज टारगेट है वो स्पेशली पटवार वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। और मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन पक्के, वो आपकी भी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है पैसेज, आप देख सकते हैं इस समय पैसेज को, और कुछ इसी प्रकार से आपको पैसेज दिया जाएगा। और ये जो पैसेज है वो डिवाइड किया हुआ है मैंने 3 पेजेस में डिवाइड किया हुआ है, कहने का मतलब 3 पैराग्राफ में मैंने इसको डिवाइड कर दिया जिससे कि आपके लिए पढ़ना आसान होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको अपनी स्किल्स बताना चाहूंगा कि आप जब पैसेज करने जा रहे हो तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा। और यार स्मार्ट वर्क में क्या चीज काउंट होती है, वो होती है सबसे पहले कि क्या करना चाहिए हमें पैसेज सोल्व करने से पहले। तो मैं डायरेक्ट बोलना चाहूंगा, सबसे पहले पैसेज को सोल्व करने से पहले आपको वो क्वेश्चंस देख लेना चाहिए, एक बार नजर उन क्वेश्चंस पर डाल देना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस पैसेज से पूछे जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी पैसेज से निकल करके आए। तो फटाफट से मेरे साथ में एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए कि जिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप जब पैसेज पढ़ने जाओ तो आपको क्वेश्चंस वहां पर आसानी से मिल पाएंगे। दोस्तों पहला कहता है कि राजा राम मोहन रॉय, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजा राम मोहन रॉय इज नॉन फॉर हिज, किस बात के लिए जाने जाते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्मर के रूप में, लिटरेरी रिफॉर्मर, पॉलिटिकल रिफॉर्मर या सोशल रिफॉर्मर, तो किस प्रकार के सुधारक थे, प्रवर्तक थे वो, किस बात के वो सुधारक थे जो समाज में जाने जाते हैं। व्हेन ही वाज टीनेजर, जब वो यंग थे, टीनेजर थे, तो राधा राम मोहन रॉय एक्सप्रेस इज डिजायर टू बिकम, जब वो टीनेजर एज में थे तो वो क्या बनना चाहते थे, उनकी क्या इच्छा थी, क्या वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, मॉन्क साधु बनना चाहते, अध्यापक बनना चाहते थे या बिजनेसमैन बनना चाहते थे, एक क्वेश्चन ये है। और दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे, इसका कहना मतलब यह है कि राजा राम मोहन रॉय का ये मानना था, वो विश्वास था कि भारतीयों को कौन सी ऐसी चीज है जो पिछड़ेपन में डाल सकती है या पीछे की तरफ धकेल सकती है, वुड लैग पीछे की तरफ धकेल सकती है, इफ बिहाइंड इफ दे, अगर वो ये नहीं करते तो वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। क्या नहीं करते, वो अपने कल्चर के मूल को भूल जाते हैं, डिड नॉट लर्न ट्रेडिशनल स्किल्स, अगर वो ट्रेडिशनल स्किल्स को नहीं सीखते, गिव अप स्टडी ऑफ संस्कृत, अगर वो संस्कृत को त्याग देते हैं तो, या डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स, अगर वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं तो क्या वो पीछे चले जाएंगे, वो आगे बढ़ने से पीछे चले जाएंगे। और एक क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, तो राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, तो किस बात को वो बिल्कुल कट्टर होकर के और सपोर्ट करते थे, क्या बात ऐसी थी, रिचुअल्स को या ऑब्जर्वेंसेज को, रिचुअल समझते हो प्रथाएं जो चली आ रही है, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन,
शारीरिक शिक्षा हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की जो स्पीच करने की जो स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है उसको, या मॉरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा को क्या वो सपोर्ट करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हमारे इस पैसेज से मिले हुए हैं और इनको आपने देख लिया एक बार, अब हम जा रहे हैं पैसेज पढ़ने के लिए और यही तरीका आप अपनी एग्जाम में लगाने वाले हो आपके खुद के बेस पर। चलिए दोस्तों आ जाओ मेरे साथ में और इंजॉय करते हैं इस पैसेज को, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, मजा भी आएगा आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए सबसे पहली बात बोली गई और मैंने पैसेज भी आपके लिए ऐसा लिया है कि कहीं आपसे आपका यहाँ से स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन वहां से भी तैयार हो जाएगा, तो आपका फायदा ही होगा। दोस्तों राजा राममोहन रॉय इज कंसिडर्ड द पायोनियर इंडियन, बिल्कुल पायोनियर का मतलब हो जाता है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक जिसको अपन कह सकते हैं, और इंडियन रेनाइसेंस, रेनाइसेंस का मतलब हो जाता है पुनर्जागरण, मतलब पुनर्जागरण करने में उनका बहुत बड़ा क्या था, एक पथ प्रदर्शक के रूप में थे। रिनाइसेंस ऑफ मॉडर्न फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स जो रिमार्केबल रहे, ऐसे सुधार जो रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब हो जाता है उल्लेखनीय सुधार है। ही ब्रॉट अबाउट, उन्होंने क्या क्या किया, ही ब्रॉट अबाउट इन 19th century, इसका मतलब ब्रॉट अबाउट का मतलब 18वीं शताब्दी में वो मतलब इस चीज के लिए सामने आए थे, उन्होंने अपना रोल स्टार्ट किया था ब्रॉट अबाउट, ठीक ना, इन इंडिया स्पेशली। और अमोंग हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों में अगर देखा जाए तो अमोंग का मतलब हो जाता है बहुत सारों के बीच, और एफर्ट्स मतलब प्रयासों में देखा जाए तो एबोलिशन का मतलब हो जाता है दोस्तों समाप्त कर देना, खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। ऑफ सती प्रथा, जैसा कि बार बार स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को जड़ से किसने खत्म किया था, तो जड़ से खत्म करने में अपने राजा राम मोहन राय साहब का बहुत बड़ा रोल था। सती प्रथा अ प्रैक्टिस इन विच, एक ऐसी प्रैक्टिस थी, एक ऐसी प्रथा थी सती प्रथा जिसमें द सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता था, समझ गए आप, सेक्रीफाइस देना पड़ता था, द विडो, विडो को वाज कॉम्पेल, उसको फोर्स किया जाता था खुद को ऑन द फ्यूनरल पायर, जलती हुई आग में बैठने के लिए, हर हस्बैंड वाज प्रोमिनेंट, और उनके हस्बैंड जो हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, विख्यात हुआ करते थे, है ना। हिज एफर्ट्स, जो उनके एफर्ट्स थे, प्रयास थे, किनके एफर्ट्स साहब, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास जो थे, वर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ही बढ़िया मतलब इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया उन्होंने, एक औजार के तौर पर उन्होंने रोल निभाया इन इरेडिकेटिंग, इरेडिकेटेड का मतलब क्या हो जाता है, जड़ से समूल समाप्त कर देना, किसको, आप ये पर्दा सिस्टम के लिए भी बोल सकते हैं, इन्होंने इरेडिकेट करने में, किसको समाप्त करने, पर्दा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की मैरिज हो जाती है उसमें भी उन्होंने रोल निभाया, और दोस्तों कब निभाया था इन्होंने, 1828 में आप कह सकते हैं, ओके यहां से चालू होता, तो दो चीज उन्होंने कर दी, सती प्रथा का रोल बता दिया इनके लिए, और पर्दा प्रथा और चाइल्ड मैरिज में भी इन्होंने रोल निभाया, और बहुत बड़े रिनाइसेंस के लिए उनको माना जाता है कि बहुत बड़े पायोनियर थे देश के लिए। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, हमारे जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। राधा राम मोहन रॉय के लिए कहा जाता है कि राम मोहन रॉय फॉर्मर, उन्होंने बनाया था किसको, ब्रह्म समाज को। अब देखो आपके लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल बहुत सारे लोग थे जो हैड टू फेथ इन, जो विश्वास करते थे आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में, एंड वर अगेंस्ट द कास्ट रेस्ट्रिक्शन, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कास्ट रेस्ट्रिक्शन में भी, मतलब जिन्होंने कास्ट रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, बात की, ठीक है। अब बोलते कि राजा राम मोहन रॉय, उनके पिताजी थे वॉज ए वेल्दी ब्राह्मण, जो बहुत ही अच्छे पैसे वाले ब्राह्मण थे, एंड स्ट्रिक्टली और बड़ी स्ट्रिक्ट थे, परफॉर्म्ड द ड्यूटीज सेट बाय द रिलीजन, जो धर्म के प्रति जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वो पूरे के पूरे उनके पिताजी पालन करते थे। राम मोहन हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो डिवोटेड, वो भी पूरे भक्त थे, किनके, विष्णु भगवान के भक्त थे, एंड इन हिज 14th ईयर, 14 साल की एज में ही वॉन्टेड टू बिकम एन मॉन्क। अब देखो यहां से समझ लीजिए वो क्या बनना चाहते थे, वो एक साधु बनना चाहते थे, एक महात्मा बनना चाहते थे, तो आप समझ चुके होंगे कि साधु बनना चाहते थे, मतलब पहला क्वेश्चन यही कहता है कि वो बनना क्या चाहते थे, टीचर बनना चाहते थे, साधु बनना चाहते थे, आपके पास में ऑप्शन थे जो मल्टीपल थे, ठीक है दोस्तों। बट हिज मदर, लेकिन उनकी माँ जिनका नाम था तरीनी देवी, ऑब्जेक्टेड टू हिज डिजायर, उनकी इस इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा के क्या थी, ऑब्जेक्टेड थी मतलब खिलाफ थी, और ऑब्जेक्शन के साथ में, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं दोस्तों, टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगले में बात कहीं यहां से, दूसरा पैराग्राफ कहता है कि राम मोहन व्यूड एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा को देखा भाई किस प्रकार से देखा उन्होंने शिक्षा को, एज ए मीडियम, एक माध्यम के रूप में टू इंप्लीमेंट द सोशल रिफॉर्म, तो दोस्तों यहां से आप कह सकते हैं क्या इंप्लीमेंट करने का, एक सोशल रिफॉर्म मतलब लागू करने का, ठीक है। सो इसलिए इन 1815 की अगर बात करते हैं तो राम मोहन राय वो 1815 में उन्होंने सोशल रिफॉर्म देखा था, शिक्षा को एक अच्छा मीडियम बनाने की, माध्यम बनाने की, तो राम मोहन केम टू कलकत्ता, कलकत्ता में आए,
एंड द वेरी नेक्स्ट उसी से अगले साल मतलब 1815 में देखा 1815 में हो सकता है 1816 की बात होगी, अगले ही साल स्टार्टेड एन इंग्लिश कॉलेज और क्या शुरू कर दी उन्होंने एक इंग्लिश कॉलेज शुरू कर दी। देखो उन्होंने इंग्लिश कॉलेज कैसे शुरू किए, स्टेट एन इंग्लिश कॉलेज बाई पुटिंग इन हिज ओन सेविंग, अपने खुद के खर्चों पर उन्होंने क्या कर दी इंग्लिश कॉलेज स्टार्ट कर दी। ही वॉज वेल अवेयर और वो बहुत ही अच्छे से इस चीज के प्रति जागरूक थे दैट स्टूडेंट्स शुड लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को भी पढ़ना चाहिए और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना चाहिए। एंड दैट्स वाई इस प्रकार ऐसा क्यों, तो ऐसा होने पर क्या हुआ, ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, उन्होंने सरकार की पॉलिसी को, इसलिए उन्होंने सरकार की पॉलिसी को, नियमों को, कानूनों को क्या किया, क्रिटिसाइज किया, निंदा की। अब देखते हैं सरकार के क्या कानून थे उस समय। अब देखो 1815 की बात हो रही तो आप समझ सकते हैं 1815 में अंग्रेजों का शासन था और बंगाल पर तो बहुत ही ज्यादा शासन था, ठीक है ना। पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ओनली संस्कृत स्कूल्स, तो सरकार की क्या पॉलिसी थी, केवल संस्कृत स्कूल की खोलने की। लेकिन राजा राम मोहन राय साहब क्या थे, इसके अगेंस्ट थे, वो क्या कहना चाह रहे थे कि नहीं हर स्टडी तो अंग्रेजी में भी होनी चाहिए, टेक्निकल स्टडी भी होनी चाहिए, है ना, इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार इंडियंस वुड लेग जरा पहचाने की कोशिश कीजिएगा, ये टेग आपके एक क्वेश्चन में आया था कि इंडियंस वुड लेग, इंडियंस क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, बिहाइंड पीछे पिछड़ जाएंगे इफ दे डू नॉट गेट टू स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट, अगर उनको क्या नहीं पढ़ने को मिलता है मॉडर्न सब्जेक्ट। आगे ऑप्शन लाइक मैथमेटिक्स ज्योग्राफी एंड लेटिन, जिसमें कौन कौन से दे दिए, मैथमेटिक्स ज्योग्राफी लेटिन और अंग्रेजी था। The government accepted this idea of Ram Mohan and was implemented और लागू भी कर दिया, सरकार ने सहमति दे दी और लागू भी कर दिया, but not before his death, लेकिन उनकी मरने के पहले नहीं, उनके मरने के बाद, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की, जी जान लगा दी और वो मारे गए, मतलब खत्म ही हो गए और उसके बाद में सरकार ने ये नियम लागू किया। राम मोहन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गिव टू इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग, हालांकि वो भी वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो मदर टंग को डेवलपमेंट को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। देखो हिज गोदिया बाईकरण इन बंगाली, उनकी कोई थी ये प्रोस थी, इज द बेस्ट हिज प्रोस, उनका कोई गद्यांश था, प्रोस था जो उन्होंने लिखा था, जो उनकी वर्क्स थी, एक रचना थी, वर्क्स का मतलब प्रोस वर्क्स का मतलब जो बहुत ही अच्छी रचना थी। रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र वॉज फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम मोहन रॉय, तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिल रही कि रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड जो बंकिम चंद्र जी थे वो भी इनको क्या करते थे, फॉलो करते थे, उनके कर कदमों पर, उनके कदमों पर चला करते थे। चलो ये बहुत अच्छी बात है। राम मोहन रॉय वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर, मतलब बहुत ही तीव्र और कड़े सपोर्टर थे ऑफ फ्री स्पीच। देखो दोस्तों किसके, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप यहां से देख सकते हैं फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पूरे सपोर्टर थे, एंड फोर्ट लड़े भी थे, फॉर द राइट्स, फोर्ट है फाइट की V2, फाइट फोर्ट और फोर्ट, और लड़े भी थे इसके अधिकारों के लिए, राइट्स मतलब अधिकारों के लिए, ओ वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस में वो लड़े। ही वॉज ऑल्सो ब्रॉट आउट ए न्यूज पेपर, तो ब्रॉट आउट का मतलब ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना, ठीक है दोस्तों। तो ऑल्सो ब्रॉट आउट ए न्यूज पेपर इन पर्सियन कॉल्ड, देखो जिनका नाम क्या था, पर्सियन में जो उन्होंने मतलब न्यूज पेपर इन्होंने ब्रॉट आउट किया था, पब्लिश किया था, उसका नाम था मिरातुल अकबर द मिरर ऑफ न्यूज कहने का मतलब, एंड बंगाली वीकली कॉल्ड संवत कमुदी, आपको पता होगा ये संवाद कमुदी, सॉरी इट्स संवाद कमुदी, जो कि हमें पता है इनके बारे में, हम पढ़ते रहते हैं ये वाली बुक में, संवाद कमुदी द मून ऑफ इंटेलिजेंस जिसको कह सकते हैं। संवाद कमुदी किनकी थी, इन्हीं की थी, ठीक है ना। तो मून ऑफ इंटेलिजेंस इन दोज डेज आइटम्स ऑफ न्यूज एंड आर्टिकल्स हैड टू अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था बिफोर पब्लिश। ओके, राम मोहन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंट्रोल्ड बाय आर्ग्यूइंग द न्यूज़पेपर्स, मतलब उनके न्यूज़पेपर पर कंट्रोल करने के बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और शुड बी फ्री और दैट द ट्रूथ शुड नॉट बी सप्रेस सिंपली बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट। अब देखो ये पार्ट आपके क्वेश्चन का नहीं है, क्योंकि आपने जैसे 5 questions आपने देखे थे, तो 5 questions तक यहाँ तक हो चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय वॉज ऑल्सो नॉन हिज, किस बात के लिए जाने जाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, लिटरेरी रिफॉर्म के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म या सोशल रिफॉर्म, तो दोस्तों कह सकते हैं क्या, सोशल रिफॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहां से अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन ही वाज टीनेजर राजा राम मोहन रॉय एक्सप्रेस टू डिजायर, क्या बनना चाहते थे वो, मॉन्क बनना चाहते थे टीनेजर की एज में, ये भी आपको पता चल चुका है।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड ले, क्या चीज है जो भारतीयों को पीछे धकेल देगी, और वो ये थी कि अगर डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स, अगर मॉडर्न सब्जेक्ट्स भारतीय नहीं पढ़ते हैं तो भारतीय लोग क्या हो जाएंगे, पिछड़ सकते हैं, पिछड़ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो एक चीज ये भी लागू होती है। और अगर बात करते हैं चौथा क्वेश्चन अगर यहाँ से देखते हैं तो राजा राम मोहन रॉय स्ट्रॉन्गली सपोर्ट, किस बात को वो ज्यादा सपोर्ट करते थे स्ट्रॉन्गली, तो उनका सपोर्ट था क्या, रिचुअल ऑब्जर्वेशन को नहीं, फिजिकल एजुकेशन को नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, डेफिनेटली हम ये चीज देख चुके हैं, और मॉरल एजुकेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आपका एक पैसेज जिसके थ्रू आपको ये जानकारी मिली कि देखो कैसे पैसेज के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी होगी, सबसे पहले आप बारीकियों से क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद में आप पैसेज पढ़ोगे, तो आपके लिए ये चीज क्या हो पाएगी, बहुत ही ज्यादा इजी होगी। आप लोग इस बात को समझते हो, इजी होने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों को क्वेश्चंस में पढ़ने के बाद में आपको आसान लगेगा पैसेज को पढ़ना, क्योंकि आपके अंदर ये सीमितता रहेगी कि आपको ये चीजों की जानकारी ज्यादा चाहिए, तो आप इसको नोटिफाई करोगे पहले कि ये क्वेश्चन। और दोस्तों साथ साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पटवार की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और वो क्या स्पेशल है जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों यहां से बताना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, और गुड न्यूज कुछ यूं है आप लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट, कोई बात नहीं है, मैं इसको आपको दूसरे, हाँ चलो यहां से देखिए आप, चलो ऐसे तो होगा नहीं, तो चलिए मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, कोई बात नहीं है, वहां से दिख रहा होगा। चलिए अगेन ले लेते हैं, एक चीज और बताते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों, जो कि स्पेशली इंग्लिश को लेकर के और पटवार वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अभी देखिए आप दोस्तों, ना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपका टाइम लिया मैंने। देखो ये है पटवार और वीडियो स्पेशल, जिसमें पटवार स्पेशल टारगेट हमारा रहने वाला है इसमें, और ये होने वाली है आपकी क्लास जो कि 50 गोल्डन रूल्स के ऊपर होने वाली है, जो कि ग्रामर के 50 गोल्डन रूल्स, मतलब मैं ये आपको कह सकता हूं कि ये 50 गोल्डन रूल्स पढ़ने के बाद में आपके 11 क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस ग्रामर के आने वाले हैं वो डेफिनेटली इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने जा रहा है जो कि कल लाइव होगा आपका 5:30 PM, जी हाँ, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन पर। और बस यही पढ़ लो, बस यही कहने के लिए मैं आया हूं कि आप केवल यही पढ़ लेना, 50 नियम आपके ग्रामर के आराम से सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीटली इसी में से मिल जाएंगे, वो सारे सिलेक्टेड रूल्स जो बार 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 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए और आज का टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकता शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनका भी भाई भला हो सके। और बाकी एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट विशेष, और बाकी कल मिलने वाले हैं अपन। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।